हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे का, तो फ़िलहाल तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरा आफ्टरनून रूटीन, और साथ में मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, तो उसके लिए चावल को मैंने 10-15 मिनट भिगो के छोड़ा था। अभी चावल अच्छे से भीग चुके हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल राइस बना रही हूँ, तो पानी गर्म हो गया था, मैं चावल को डाल दे रही हूँ। यहाँ पे चावल में मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी, अच्छा टेस्ट आता है नमक डालने से। ऐसे तो नॉर्मली चावल में हम लोग नमक वगैरह नहीं ऐड करते हैं, बट हल्का सा डाल के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 आलू मैं यहाँ पे छील ले रही हूँ, मैं दाल में डाल के इसे बॉयल करूँगी। और आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आलू पनीर के कोफ्ते। तो आलू को मैं अलग से बॉयल नहीं करूँगी, दाल में ही डाल के मैं इसे बॉयल करूँगी। और यहाँ पे आज मैं चना दाल और अरहर दाल को भिगो के रखी थी, मैं आज इसी का दाल बना रही हूँ। अच्छा लगता है, कभी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हल्दी, थोड़ा सा नमक और एकदम हल्का सा सरसों का तेल डाल के मैं यहाँ पे डाल दी हूँ आलूओं को भी। कुकर को बंद कर दी हूँ, 3 से 4 सीटी में अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि चना दाल है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है इसमें। यहाँ पे ग्रेवी के लिए थोड़ी सी सब्जियों को मैं चॉप कर ले रही हूँ इसी टाइम पे। तो दोनों चीज़ अभी तक पके नहीं हैं, पक ही रहे हैं दाल चावल, तब तक मैं सब्जियों को चॉप करके रख लूँगी। पैकेट का दूध फ्रिज में रखा हुआ था और गलती से मैंने उसे गर्म नहीं किया था, तो वो फट गया। जैसे ही मैंने बॉयल करने के लिए रखा, वो फट गया, तो मैंने उसे हल्का सा चीनी डाल के ना सुखा दिया है। तो फिलहाल तो अभी खाने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं इसे फ्रिज में डाल दे रही हूँ। और एक तरफ हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, इसे मैं साइड में निकाल के रख दूँगी, और दाल भी हमारे पक चुके हैं। तो यहाँ से मैंने आलू जो है ना उसे निकाल लिया है, आलू को हम मैश कर लेंगे। तो मैंने 3 आलू डाला था, बट मैं यहाँ पर 2 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को मैश करने के बाद मैंने यहाँ पे करीब 100 ग्राम पनीर लिया है, उसे मैंने अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है। उस पनीर को भी हम डाल देंगे इस आलू के अंदर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब बेसन। तो ये ना बाइंडिंग में काम करता है, ऐसे तो आलू है जो बाइंडिंग में काम करेगा, बट थोड़ा सा बेसन डालने से ना ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे अजवाइन, और इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा धनिया और जीरा। तो आप इसमें हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, बट रेड चिल्ली मैंने डाला है तो मैं इसमें हरी मिर्च और ऐड नहीं करूँगी। साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले तेल डाल दे रहे हैं थोड़ा सा हाथों में, ताकि ये चिपके ना। और एकदम छोटा छोटा साइज़ का मैं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ना ये इस तरह से राउंड हो जाते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, लड्डू जैसा। तो इस तरह से हम सारे बॉल्स को अपने बना के रेडी करके रख लेना है। दो आलू और थोड़े से पनीर, थोड़े से बेसन डालने के बाद ना करीब यहाँ पे 14 बॉल बन के रेडी हुआ है। तो 4 लोगों के लिए इनफ होता है। तो यहाँ पे बॉल्स जो है ना हमारे रेडी हो गए हैं। सुबह सुबह आज अर्ली मॉर्निंग ही ना सारे कपड़े धो के मैंने सूखने के लिए रख दिया था। वेदर आज बहुत ही अच्छा था सुबह सुबह, बट अभी लग रहा है कि बारिश होने वाला है, तो सारे कपड़ों को मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि फिर पानी का छींटा वगैरह लगेगा ना, तो सारे भीग जाएंगे और इसका ना अलग सा एक स्मेल रह जाता है, तो बहुत ही गंदा लगता है वो स्मेल। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और सारे बॉल्स को मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्ते की रेसिपी। तो ऑयल तो हम इस्तेमाल करेंगे, बट बहुत ही कम ऑयल में बना के इस कोफ्ते को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है अपम वाला जो मेरा पैन है वो, उसमें थोड़े थोड़े तेल, एकदम हल्का सा तेल डाल के हम रख लिए हैं गरम करके। अभी सारे बॉल्स को ना इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए बाहर से। और 2 बॉल बच गए थे, मैंने उसे रख दिया है, अभी मैं इसे ढक दूँगी। और ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, लहसुन और थोड़े से बादाम लिया है, पिस्ता बादाम, और मसाला लिया है। तो यहाँ पे हल्का सा डालेंगे हम तेल, और यहाँ पे खड़े मसाले को हम भून लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1/2 चम्मच जीरा, और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने लिया है सौंफ, और काली मिर्च, 2 सूखी मिर्च,
इन चीज़ों को थोड़े से पकाने के बाद सारी सब्जियां जो चॉप करके रखी हुई है सबको हम एक ही साथ डालेंगे और एकदम हल्का आंच में इसे हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोफ्ते जो है ना एक साइड से बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया था तो मैं इसे टर्न कर ले रही हूँ और जहाँ पे गैस का फ्लेम ना बीच से पड़ता है तो आप लोग देख सकते हैं बीच का कलर कितना सुंदर आया हुआ है। तो इसी तरह से ना हम अलटते पलटते अच्छे से अपने कोफ्तों को पका लेंगे। यहाँ पे सारे बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमने मसाला रेडी किया था ना उस मसाले को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, मिक्सर जार में इसे डाल के एकदम अच्छा वाला पेस्ट बना के हम रेडी कर लेंगे। मैंने पैन में एक चम्मच तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पे मसाले जो हमारे रेडी थे ना उस मसाले को हम डाल देंगे पैन में और थोड़े से मिक्स कर लेंगे। मसाले तो ऐसे भी हमारे कुक है तो एकदम हल्का सा ही हमें पकाना है। हल्दी साथ में रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी हम डालेंगे क्योंकि कोफ्ते वगैरह में कसूरी मेथी का स्वाद जो है ना बहुत ही लाजवाब आता है। उसके बाद जो है ना मैं इसे मिक्स करूँगी बहुत ही अच्छे से और अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे गरम मसाला का पाउडर। आप लोग चाहें तो इसे एंड में भी डाल सकते हैं, इसका खुशबू बरकरार रहता है, बट मैं इसी टाइम पे ऐड की हूँ। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही देखिए हमने हल्दी और मिर्च का पाउडर डाला है ना इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, मैंने नमक भूल गया था डालना तो मैं यहाँ पे नमक डाल के ना इसे फिर से एक बार कवर कर दूँगी और ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक ही मैंने इसे छोड़ा था इस तरह से। और ये अच्छे से मसाले हमारे कुक हो चुके हैं, अभी जितने भी कोफ्ते हमारे हैं ना सारी कोफ्ते को हम डाल देंगे इस मसाले में। अब एकदम हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो हल्का सा पानी डाल के ना कोफ्ते को पहले मिला लेंगे इस तरह से, मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा कुक इसे हमें नहीं करना है क्योंकि कोफ्ते ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं आलू और पनीर के, तो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उतारने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है हमारा आज का वेदर, बारिश आने ही वाली है, बस रास्ते में ही है। आरब आ चुका है स्कूल से और बारिश आने से पहले ही वो फाइनली घर पहुंच गया है, तो आने के बाद मैं उसका एक बार बैग चेक कर लेती हूँ कि होमवर्क वगैरह है या टिफ़िन वगैरह खाया है कि नहीं। तो सारा बॉटल्स वगैरह सब बैग के अंदर ही इस तरह से भर के वो ले आता है। आरब जैसे ही स्कूल से आता है ना उसे मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ और उसके साथ इस तरह से गप करती हूँ कि स्कूल में आज क्या क्या हुआ है, तो वो पूरा बताता है क्या पढ़ाई किया है, किसके साथ बदमाशी किया है, तो सारा इस तरह से एक्सप्लेन कर देता है वो। तो गाइज़ फाइनली हमारा लंच वगैरह कंप्लीट हो गया है और अभी मैं करने जा रही हूँ अपना फ्रिज का क्लीनिंग। तो यहाँ पे फ्रिज का हालत आप लोग देख ही सकते हैं, मैक्सिमम व्लॉग में आप लोग को दिखता ही होगा मेरा फ्रिज किस तरह से रहता है। तो ये जो स्टिकर आप लोग देख रहे हैं सारा कारनामा है मेरे बेटे का, तो पूरा फ्रिज में इस तरह से स्टिकर भर के रखा है। आज मैं सोच रही हूँ सारे स्टिकर हटा के इसे क्लीन करूँगी, ऐसे तो मैं आरब का परमिशन लेने के बाद ही ये सब काम कर रही हूँ, वरना बहुत ही जल्दी ना बुरा मान जाता है कि मम्मा मेरा स्टिकर चिपकाया हुआ आप क्यों निकाल दिए। तो वो बोला है कि निकालिए तब जाके मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम स्टार्ट की हूँ। तो सबसे पहले ऊपर के जितने भी सामान है ना सारे सामान को मैं हटा लूँगी और फ्रिज काफ़ी टाइम से मैंने बाहर से क्लीन नहीं किया था, बस भीगा कपड़ा से इस तरह से पोंछ देती थी तो बहुत ज़्यादा ना गंदे भी हो गए हैं, तो मैं सोची आज थोड़ा डीप क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे देखिए सारे सामान को ना मैंने ऊपर से हटा दिया है और स्टिकर इतना ज़्यादा चिपका हुआ है ना, पता नहीं ये निकलेंगे कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले भींगा थोड़ा सा करके ना हाथ से इस तरह से भीगने के लिए छोड़ दिया है ताकि ये कागज़ है तो अच्छे से ये भीग जाए और निकलने में ईजी हो जाए।
बहुत ही अच्छे से तो नहीं, बट स्टिकर ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। तो यहाँ पे स्टिकर निकलने के बाद मैं थोड़ा सा लिक्विड लेके इस तरह से रब कर रही हूँ ताकि जैसे भी हो बट ये निकल जाए। बहुत ही गंदा लग रहा था फ्रिज, स्टिकर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने भींगा भींगा के इस तरह से निकाला है और थोड़े बहुत है, तो देखते हैं इससे जाता है कि नहीं, और पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। मैं तो डर रही थी कि पता नहीं स्क्रेच वगैरह इस तरह से ना आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, आरब आ गया है और वो पूछ रहा है कि मम्मी सारा स्टिकर निकाल के आप कहाँ रखे हैं, उसको एक बार चेक करना है। जो अच्छा है वो रखेगा और जो ख़राब है उसे डिस्कार्ड कर देगा। यहाँ पे अच्छे से रगड़ने के बाद मैं कपड़ा से, भींगा कपड़ा से पहले पोंछ के इसे हटाऊंगी 2 से 3 बार अच्छे पानी से। और ये है मेरे फ्रिज का फाइनल लुक। उतना अच्छे से क्लीन नहीं हुआ बट काम चलाओ अभी के लिए फ़िलहाल हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें नए नए व्लॉग के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।